भाई तुम लोगों को एक बात बताऊं, ये बात सुन के ना तुम्हारी आंखों से भी खून निकलने लग जाएगा। सो बेसिकली क्या हुआ, एक मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ना थोड़ी बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व है। सो कंपनी ए ने मुझे एक कोई काम बताया कि भाई साहब आप हमारे लिए काम कर दो और बदले में आपका इतना कमीशन। मैंने कहा ठीक है। तो वाया वाया मैं कंपनी बी तक पहुंचा। एंड देन इट वाज इन शॉर्ट इट वाज लाइक कि ए को बी की ज़रूरत है और बी को ए की ज़रूरत है, इन दोनों को मैं मिलवाऊंगा और मेरी एक अच्छी खासी कमीशन बनेगी इसमें से, कि मेरी लाइफ सेट होती है इसके अंदर। एंड सबकी लाइफ में ना एक मोमेंट आता है जब आपको लगता है कि यार दिस इज इट, यू नो दिस इज द मोमेंट, और अब हो जाएगा ये, क्योंकि ये बहुत ईजी डील है। मतलब आपको बस दोनों को मिलाना है और ये हो जाएगा और आपकी लाइफ सेट है उसके बाद। बट अब यहाँ पे आपको एक उल्लू का पट्टा मिलता है जो आपकी कुंडली पे नाग बन के बैठता है। तो क्या हुआ, जब मैं बिजनेस बी में गया, वहां पे मैं ऐसे बंदे से मिला जो बेसिकली हर अमीर खानदान में ना एक यूजलेस बच्चा होता है ना, जिसको आप कोई भी उसके बिजनेस का कोई भी क्वेश्चन पूछो तो वो कहता है अरे वो तो पापा देखते हैं। अच्छा तो यार ब्रो ये ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेते, अरे वो तो पापा करेंगे ना ब्रो। आई वॉज लाइक ठीक है देन गिव मी योर डैड्स नंबर, यार आई विल टॉक टू योर डैड देन। अरे ही इज टू बिजी मैन, दैट्स व्हाई ही टोल्ड मी टू लुक इनटू इट। तो देखना भाई मैं दिखा रहा हूँ ना तेरे को, अरे बट वो तो पापा करेंगे ना ब्रो। मतलब वट एवर आई वॉज टॉकिंग टू हिम इट वॉज लाइक अरे वो तो पापा करेंगे। मतलब कल को ना उसकी शादी होगी, उसकी बीवी आके बोलेगी करे, अरे नहीं वो तो पापा करेंगे। मतलब इट इज इरिटेटिंग यार, बात आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा बंदा। और बंदा करता क्या है, सुबह शाम सिर्फ जिम जाता है। क्या करता है, जिम जाता है। भाई मैंने ना उसको हर तरीके से समझाने की कोशिश करी, मैंने उसको भाई बहुत प्यार से पेशेंटली अपने गुस्से को अपने अंदर मार के उसको समझाया कि ब्रो ये करेगा ना तो तेरा तेरा बिजनेस बढ़ेगा, तेरा मेरा नहीं तेरा। अरे नहीं ब्रो मैं उसमें जाऊंगा तो यार बिजनेस बढ़ गया ना, माय डैड विल कॉल मी इन द बिजनेस ब्रो, मेरे को नहीं बैठना वहां पे। एक तो ना इन लोगों की अकड़ ना इनके बाप से बड़ी होती है, जिसने साले इतना बड़ा बिजनेस बनाया उनकी इतनी बड़ी अकड़ नहीं है जितनी इस उल्लू के पट्टे की है। अरे देखो नहीं बैठना बिजनेस पे तो मेरे को बिठा देना, मैं बैठ जाऊंगा यार बिजनेस के ऊपर। साले तेरे जैसे को तो घुसने भी ना दूं उसके अंदर। यार गुस्सा चढ़ता है यार, दुख होता है इतनी। यार बुरा लगता है लोगों की जब ऐसी औलाद हो जाती है ना, पता है कितने लोगों की किस्मत को रोक के बैठा हुआ है वो। भैया अबे क्या हो गया, वो दूध वाला आया है पिछले महीने का अबे सामान। तुम मेरे से क्यों पूछ रहा है यार, पापा देखते हैं ना ये सब, वो करेंगे ना मैं क्या करूं।